सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 स्टिल्थ ब्लैक कलर है। तो गाइस इस बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इसकी अनबुक प्राइस होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी आपको माइलेज मिलती है और कितना इसका अनरोड प्राइस होने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के साइड प्रोफाइल से। तो गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए, इस बाइक का जो प्रॉपर यहाँ पर जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है, काफ़ी बढ़िया लगती है बाइक देखने में, काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ आती है बाइक, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों पे यह पसंद आती है। जो स्टिल्थ ब्लैकर है काफ़ी ज़्यादा लोगों के यह पसंद आती है, मेरा पर्सनली यह फेवरेट कलर है क्लासिक 350 का। तो गाइस आपको यह कलर कैसा लग रहा है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो यहाँ पर देखें तो इसके फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड किस तरह से बैजिंग मिलती है, 3D में दिया गया है। यहाँ पर थाई सपोर्ट आपको मिली है और इंजन भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर मिलती है। यहाँ पर आप देखें तो जो एग्जॉस्ट मिलती है ये भी आपको ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है और यहाँ पे आपको लेग गार्ड मिली है ये भी इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है। तो ओवरऑल आपको यह बाइक ब्लैक कलर में ही मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप देखें तो साइड फाइल में आपके यहाँ पे क्लासिक 350 की आपके यहाँ पे बैजिंग मिलती है, इस तरह से रेड कलर की ग्राफिक्स आपको मिलती है और रियर साइड में आपको जो एसएसएस मिलती है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इसमें एसएसएस लगी मिलती है। अब आते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की ओर। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो फ्रंट लुक है कुछ इस तरह निकल कहते हैं। तो ऊपर आपको जो मिरर मिलता है यहाँ पे राउंड शेप में आपको मिल जाती है और हेडलाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है कम्प्लीटली आपको यहाँ पर हैलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पर हेडलाइट सेटअप मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर राउंड शेप में आपको हेडलाइट काउल मिल जाती है, क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। यहाँ पे आपको दो पायलट लैंप आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके का आंग होते हुए दिखती है जो काफ़ी शानदार लगती है देखने में। और जो टर्न सिग्नल आपको लगे मिलते हैं इस बाइक में, बल्ब वाले टर्न सिग्नल आपको मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में कुछ इस तरीके का यह आन होती दिखती है। और यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल मिल रही है। अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो क्या इस फ्रंट में आपको सस्पेंशन इस बाइक में मिलेगी टेलीस्कोपिक 41mm 130mm ट्रेवल टाइप का आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाती है। तो सस्पेंशन क्वालिटी जो मिलती है ना इस बाइक में आपको, चाहे फ्रंट की बात करें चाहे रियर की बात करें, काफ़ी बढ़िया आपको इसमें सस्पेंशन मिल जाता है जिसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको जो फेंडर मिली है ब्लैक कलर में दिया गया है और यहाँ पर मेटलिक फेंडर आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है तो सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 300mm का आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ABS का चैन दिया हुआ है, वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर आपको मिलती है जो कि टू पिस्टन वाले कैलिपर आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर सस्पेंशन पर आपको यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर आप देखें तो रिम पर आपको रेड करके टेपिंग देखने को मिली है और फ्रंट में आपको जो वी साइज मिलती है 19 इंचेस का वी साइज दिया गया है और जो आपको टायर प्रोफाइल मिलती है 100/90 90 सेशन के आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर लगे मिलते हैं। तो इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है और जो एलॉय व्हील का पैटर्न मिलता है गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, इसके लुक को काफ़ी बढ़ा देती है। सो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। तो लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे तो इसके फ्यूल टैंक पर आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है जो कि 3D में दिया गया है। यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इससे आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है जो कि आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है, 3 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, इस तरह से ग्राफिक्स दिया गया है और फ्यूल फिलर जो आपको मिलता है यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग साथ मिलती है, E20 की ब्रांडिंग मिली है। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स मिलती है रेड कलर पर काफ़ी निखर के आती है, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। और जो हैंडलिंग आपको मिलता है कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर हैंडलिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप स्विच गियर्स की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पर स्विच मिल जाती है, इन्फो बटन मिलती है, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है जो कि इंटीग्रेटेड आपको मिलती है, टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच आपको मिलती है और राइट साइड में आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट सेट का स्विच और यहाँ पे आपको प्री स्टार्ट हेडलाइट लाइट का फंक्शन आपको मिल जाती है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है जिससे आप मोबाइल फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है सिम डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाती है, ऊपर आपको यहाँ पे एलॉग मीटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस ABS का इंडिकेशन चेक इन लाइट और फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो डिजिटल मीटर मिलती है यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन ट्रिप डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं और इन्फो बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक ट्रिप डिटेल्स ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिली है, इस साइड में आपको इग्निशन की मिल जाती है और की बात करें तो इस तरह से आपको यहाँ पे की मिली है जो काफ़ी प्यारी की आपको यहाँ पर मिल जाती है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिली है,
अब बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिल रही है स्प्लिट टाइप का आपको सीट मिलती है, जो सीट हाइट आपको मिलती है 805 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। कुशनिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको जो कुशनिंग मिलेगी काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाती है, जिसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंफर्टेबल इसमें सीट ऑफर करती है रॉयल एनफील्ड। तो राइडर सीट है आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाती है और प्लेन सीट कुछ इस तरह का आपको मिलती है। प्लेन बैकरेस्ट भी दिया गया जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो सीटिंग कंफर्ट को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट ऑफर करती है रॉयल एनफील्ड। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 20.2 bhp की पावर जनरेट करती है एट 6100 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 27 Nm की आपको टॉर्क मिलेगी एट 4000 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगी। और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लग मिलती है 5-speed गियर बॉक्स दिया गया, साइड स्टैंड इंजन कट आपको फीचर्स मिल जाती है और साइड फाइल में क्लासिक 350 की बैजिंग मिली है और ओपन चेन डायस्टेशन मिली है। और यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर जो साड़ी गार्ड मिलती है यहाँ पर मेटलिक आपको मिल जाती है। और गाइस यहाँ पर हम चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो रियर फाइल है कुछ इस तरह आती है, जो टेलाइट आपको मिलती है बल्ब वाली टेलाइट आपको मिल जाती है, टर्न सिग्नल कुछ इस तरीके आपको मिलती है बल्ब वाली टर्न सिग्नल दिया गया है और रियर फेंडल पे आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस रियर में आपको सस्पेंशन बाइक मिलेगी ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर आपको लग मिलती है, जिससे आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग 6 steps तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल रियर में सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 270 mm का आपके यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS का चैन दिया हुआ है और व्हील साइज जो आपको मिलती है रियर में 18 inches का व्हील साइज दिया गया है और जो आपको टायर मिलती है 120x80 18 सेशन के आपके यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलती है। तो इससे इसकी रियर प्रोफाइल निकल जाती है और जो एग्जास्ट मिलती है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एग्जास्ट मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इस बाइक का जो कर्बेट आपको मिलता है 195 kg का इसका कर्बेट दिया गया है। ग्राउंड केस जो आपको मिलती है इस बाइक में 170 mm का इसमें ग्राउंड केस दिया गया है। ओवरऑल विड्थ मिलती है 785 mm का विड्थ दिया गया है। व्हील बेस की अगर बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलेगी 1390 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 2,70,000 से 2,73,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो मैंने यह प्राइस बताया हुआ है एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए रॉयल एनफील्ड शोरूम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें इसके माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 25 से 30 kmph की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी। सो गाइस ये रहा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टील्थ ब्लैक कलर का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।